हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, करीब एक महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कैलेंचू के ऊपर। मैंने एक फर्टिलाइज़र बताया था जिसको आप डालते हो तो बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगेगी आपके पौधे पे। तो मेरे पौधे पे ना, मैं आपको दिखा दूँ, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। मैं स्क्रीन पे उसकी पिक्चर भी लगा दूँगी वहाँ पे आप, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी वीडियो का, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। मेरे पौधे पे ना बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ पत्तियां थी, और उसी फर्टिलाइज़र की वजह से ना दोस्तों, ये इस तरह से पौधा देख सकते हो, काफ़ी सारी कलियां बनाने लगा है। ये मैं कुछ इधर दिखा दूं, और ये देखें, ये 10-15 दिन में ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर मुझे मिला है। और अभी मैं इस पे फ़िलहाल में कुछ फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आप उस फर्टिलाइज़र को अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपके भी कलंचू के पौधे पे अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही ना, तो बिल्कुल इसी तरह से हैवी क्वान्टिटी में आपके पौधे पर भी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो मैंने, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था ना कि मैं आपको अपने कलंचू का अपडेट ज़रूर से आपको दूंगी, तो ये इसी वजह से ये मेरा बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको दिखा दूं कि ये इसी फर्टिलाइज़र की वजह से ये इस तरह से मेरे पौधे पे काफ़ी सारी कलियाँ बनी हैं। और ये मेरा कुछ देख सकते हो, ये हाइब्रिड वैरायटी है कलंचू का। तो हाइब्रिड वैरायटी दोस्तों काफ़ी कॉस्टली मिलती है, ये अगर आप लेने जाते हो ना तो ये 150 रुपये से इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है। फिर जितना बड़ा आप पौधा लोगे फिर प्राइस उसी हिसाब से होता है। ये मेरा कुछ वेरीगेटेड टाइप है, और ये मेरा भी देख सकते हो, ये भी मेरा हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें कुछ देख सकते हो येलो कलर के फ्लावर आए हैं, और एक उन्होंने बोला था वाइट कलर, पर वाइट तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें भी लग रहा है येल्लो कलर ही निकल के आएगा। और ये सारे मेरे कुछ देसी टाइप हैं, इसमें सारे रेड कलर के फ्लावर आते हैं। तो देसी वैरायटी भी अच्छी ही होती है और सस्ती भी मिलती है, 50-60 रुपए के आसपास ये आपको इजीली मिल जाती है। तो कैलंचू के मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। मैं सिर्फ एक पौधा लेकर आई थी दोस्तों नर्सरी से, और मैंने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपके पास भी कैलंचू का पौधा है ना, तो आप इसे ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, और ये पौधा ना दोस्तों, इसमें सिर्फ विंटर में ही फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग होती है ना दोस्तों, तो देखते ही बनती है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। तो अगर ये पौधा आपके गार्डन में नहीं है ना, तो ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती, देख सकते हो मैंने छोटे से छोटे गमले में इस पौधे को लगाया हुआ। इस पौधे के लिए ना दोस्तों, सिर्फ आपको ये चीज़ मैटर करता है ना, इसके लिए आप जब भी सॉइल बनाए ना, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाए जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह का अगर आप मिट्टी देंगे ना, तो सालों साल ये पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। और इधर उधर भी मैंने काफ़ी सारे इसके पौधे लगाए हुए हैं, तो चलिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एक तो मैंने उस वीडियो में शेयर किया था आपको कुछ ऑनियन पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का, तो वो भी बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है, उसको भी मैं देती हूँ। और एक और फर्टिलाइज़र है जो मैं अभी करीब 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, चलिए वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा देख सकती हूँ, इसके अंदर मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया ये इसके अंदर है, और मैंने इस तरह से कवर किया हुआ क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसको खुला नहीं छोड़ते हैं। तो ये देख सकते हो, ये मेरा कुछ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी दे रही हूँ इसको। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सरसों खली होती है ना दोस्तों, वो अभी ना विंटर में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप देते हो ना, सब्जियों के पौधे में डालते हो, तो बहुत ज़्यादा फल और फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। और किसी फ्लावरिंग प्लांट में देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है आपके पौधे पे। तो इसको मैंने पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र जानना है कि मैंने किस तरह से बनाया है, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, फिर मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बनाकर भी शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। तो इसमें मैंने सरसों खली का यूज़ किया है, इसमें मैंने साफ फंजीसाइड भी डाला है, फ्लावरिंग के लिए इसमें मैंने DAP का भी यूज़ किया है, और नीम खली अगर आपके पास है तो नीम खली का भी आप यूज़ कीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। नीम खली फंगस वगैरह लगने से भी पौधे को बचाता है। चावल का जो मार निकलता है ना, उसका भी मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हो ना, तो पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसको ना दोस्तों, देने का ये तरीका बिल्कुल पतला करके आपको पौधे के मिट्टी में देना है, पौधे के पत्तियों पे, फूलों पे नहीं पड़ना चाहिए, मिट्टी में देना है। फूलों पे पड़ने से, पत्तियों पे पड़ने से पौधा ख़राब हो जाएगा, फंगस
लगा देता है, और थोड़ा बहुत अगर मिट्टी में ये लगे कि हाँ ऊपर से कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो इसको ज़रूर से आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो मेरा अपडेट था दोस्तों, और मेरा अपडेट कैसा लगा ये कलंचू का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये फर्टिलाइज़र अगर आप चाहो तो अपने पौधे पे यूज़ कर सकते हो। अगर चाहते हो कि मैं ये फर्टिलाइज़र आपको बना के दिखाऊँ, पौधे में देकर भी दिखाऊँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये देख सकते हो ये मेरा कुछ छोटा सा कलंचू है, ताकि मेरी भी फैमिली बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे जाऊं और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये देख सकती हूँ ये रेड कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये करीब ना 2-2.5 महीने से इसी तरह से खिला हुआ है, और ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये जो पौधा है ना, इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी लंबे समय तक पौधे पे ना इसके फूल बने रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। तो एक चीज़ इसकी कलंचू की बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, कलर्स काफ़ी सारे आपको नर्सरी पे देखने को मिल जाते थे। इसको अगर इसी सीज़न में ये पौधा आपको देखने को मिलेगा तो इसको ज़रूर से ले आइएगा नर्सरी से, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये देख सकते हो यही सब है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के पौधे से ना दोस्तों गार्डन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है ना दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, हैप्पी गार्डनिंग।